शिव जी के विशाल काय कलाकृति मूर्ति आप मन देखे मिल ही संगवारी हो। ये देखो गजानन स्वामी प्रथम पूजे जाने वाले श्री गजानन स्वामी गणेश महाराज जी साकला उठा के लात हुए कलाकृति में देखे मिल ही आप मन। साथ में रथ बहुत ही सुंदर विष्णु जी के मंदिर जो सिर्फ और सिर्फ बालोद जिला के ओटे बंद में हवा है। खरगोश महाराज जो बहुत ही प्यारा दिखत है विश्राम करते हुए। हमारी हो जय श्री राम जय जोहर। मैं आप मन के दोस्त दीपक अपन चैनल में फिर से स्वागत कर रहा था। संगवारी हो आज मैं आप मन लेके जाऊँ छत्तीसगढ़ के प्रयाग स्थल में से एक कहा जाने वाला जो हवा ओटे बन में, जहाँ पे आप मन देखे ला मिली यू कैलाश पर्वत। वहाँ पे है विष्णु जी के विशाल काय कलाकृति, साथ में गणेश जी और पवन सुत के हनुमान जी के भी कलाकृति आप मन विशाल रूप में देखे मिली। संगवारी हो वहाँ में सबसे बड़े छत्तीसगढ़ के मेला मड़ाई होते जो होते 10 से 12 दिन के। तो चलो आप मन आज के ब्लॉग्स में मैं आप मन लेके जाऊँ बालोद जिला के ओटे बन में। आप मन मोर साथ जुड़े रहो। आज के ब्लॉग्स हमें मन के बहुत ज्यादा खास होने वाला है संगवारी। ओटे बंद ओटे बंद भाई जबरदस्त अच्छा गांव है यार। हमन आ पहुंचे हैं कहां भाई? ओटे बंद के मंदिर। जय जोहर संगवारियों। अभी हमन आ पहुंचे हैं ओटे बंद जहां पे बहुत ही प्यारा से विष्णु जी के मंदिर हवे। तो चलो वीडियो में आपन बने रहो, हमन आप मन मंदिर के अंदर लेबो और दिखाबो पूरा मंदिर ला। आज हमारे साथ में हमारे संगवारी तको हवे उपस्थित श्री हेमंत यादव जी। संगवारी हो यह है मंदिर के मुख्य गेट प्रवेश द्वार। यहाँ पे दोस्तों प्रसाद की उचित व्यवस्था भी है, वह अपन यहाँ से प्रसाद ले सकत हो। अपन देखते हो हमारे बड़े भाई और हमारे मित्र रविमन प्रसाद लेवा थे, अब हमारे मित्र हेमंत यादव जी जो सामने खड़े है वह। तो चलो संगी हम अंदर जाता और दिखाता ना आप माला मंदिर ला। यहाँ पे विशाल का विष्णु जी के कला आकृति भी बने हैं भाई। तो आप मन वहूल देखू संगवारी हो बहुत ही प्यारा श्री विष्णु जी के मंदिर जो सिर्फ और सिर्फ बालोद जिला के ओटे बंद में हवा है। संगवारी हो अपन मोर्सन वीडियो में बने रहो, मैं आप माला मंदिर के ओवरऑल व्यू ला दिखाऊं। केवड़ द्वारा गंगा पार कराते हुए भगवान श्री राम ला आपन देखा तो कला आकृति बहुत ही जबरदस्त। कल्कि अवतार माँ कलाकृति बहुत ही प्यारा दृश्य आप मन देखा तो संगवारी हो। आगे चलथन बरहा अवतार आप मन देखते ही हो श्री विश्वकर्मा जी के कलाकृति बने हुए हैं दीवार में। पीछे ठीक सबरी माता श्री रामला बेर चक के देवा थे फलहारी पर। भोले बाबा शिव जी के परम भक्त परशुराम अवतार के कलाकृति आप मन ला दिखा पात हो। वामन अवतार आप मन ला देखे मिलत हो ही। संगवारी हो यह भाई नरसिंह अवतार आप मन जानत हो पालक
प्रहलाद जी के मामा के कैसे वध करे रही सब है। बौद्ध जी महाराज इति लिखथन तमन देखथन श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारा नाग में शेषनाग के मुड़ी में चढ़ के चढ़े हवे इसे कला आकृति आप मन देखत हो। ठीक आगे बढ़थन संगवारी हो मत्स्य अवतार में हम मछली मैया देखते हैं। कच्छर अवतार बहुत ही प्यारा दृश्य है संगवारी हो। मंदिर में दर्शनार्थी मन आ चुके हैं भाई। बहुत ही पुराना मंदिर है संगवारी हो दृश्य देखा तो हूँ। पिल्लर बने बने हैं भाई जगह जगह मंदिर के। ओवरऑल व्यू आप मतलब दिखा पाता हूँ मैं। हमारा आगू में हब है श्री तुलसीदास जी। तो चलो संगी हम ले जाथन कैलाश। अपन पढ़ते हो कैलाश जाए के रास्ता लिखाए हुए हब है। तो चलो ऊपर जाथन वो देखथन का हब है कैलाश में। ये संगवारी हो कैलाश शिव जी के विशाल काय कलाकृति मूर्ति आप मन देखे मिलही। के संगवारी हो ये है समस्त प्रकार के ऋषि मुनि आप मन देखे मिलही। पिल्लर में बने हुए हैं विशाल काय शिव जी के मूर्ति आप मन ला देखल मिलत है। साथ में नंदी महाराज यहाँ पे श्री कृष्ण जी के कलाकृति बने हुए हैं संगवारी हो। जैसे आप मन सोचे चघू ऊपर मा तैसने आप मान ला कैलाश पर्वत देखेल मिली। बद्रीनारायण जी की कलाकृति आप मन देखा हो संगवारी हो। भले वीडियो थोड़े से लंबा होगी लेकिन मैं आप मान ला पूरा ओवरऑल वीडियो के माध्यम से मंदिर के व्यूला दिखाऊँ। साथ ही आप मान ला देवी देवता के कलाकृति बने हुए हैं वहुल दिखाऊँ। साथ में विभिन्न प्रकार के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं तेकरो दर्शन करा हूँ। संतोषी माता कलाकृति कैलाश पर्वत के ठीक पीछे बने हुए हैं भाई। राधे मोहन जी के कलाकृति जैसे कि आप मन में बताया है वो ऋषि मुनि मन के यह कलाकृति बने हुए हैं पिल्लर में आप मन देखते ही हो। बहुत ही सारा जगह है भाई आप मन चाहो तो पिकनिक स्पॉट भी कहा जा सकत है। बहुत ही प्यारा से पिकनिक स्पॉट भी है पे बैठे के उचित व्यवस्था आप मन ला देखे मिलत हो ही। पूरा मंदिर के ओवरऑल व्यू साथ में संगवारियों राधा कृष्ण के ये कलाकृति आप मन देखते ही हो। संगवारियों हो यहाँ पे ये जो बंधा है भाई नारियल ये है भाई मनोकामना के लिए। संगवारी हो ये मंदिर के विशेषता ये भी है भाई
कि यहाँ जैसे कोई महिला के बच्चा नहीं होते, जे निसंतान हवे, जेकर शादी नहीं होते, नौकरी नहीं लगत हवे, किसी भी प्रकार के समस्या हुई व्यापारी घरेलू आर्थिक, तो यहाँ मनोकामना कदम के वृक्ष हवे। यहाँ पे आप मन आके ए कदम के वृक्ष में मनोकामना के लिए मनोकामना मांगो और साथ ही नारियल बांध के जाओ, आप मन के मनोकामना जरूर पूरा होई संगवारी हो। संगवारी हो, बहुत ही प्यारा मंदिर कहा जा सकत है, बहुत ही जबरदस्त संगवारी हो ये मंदिर है। दुर्ग बालो द्रोण में खप्पड़वाड़ा से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम ओटेवन में स्थित मंदिर श्री विष्णु जी के। अरे तो नवग्रह तब भी खाता है। संगवारी हो, ऐसे मंदिर वैसे नज़ारा शायद ही आप मन ला देखे मिली। संगवारी हो, मैं आप मन ला ये भी दिखाना चाहूँ, ये देखो बहुत सारा कछुआ हवे विष्णु महाराज जी के जल कुंड में, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। संगवारी हो, आप मन ला मैं दिखावत हूँ, ये लइका मन तक को आए हवे दर्शन करे बर। विभिन्न देवी देवता मन के कलाकृति आप मन देखे मिलत होही। बहुत ही सुंदर आकृति विशालकाय श्री विष्णु जी के कलाकृति आप मन देखे मिली। संगवारी हो, दुर्ग बालोद्रोड में मात्र खप्परवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर ग्राम मोटेवन में बहुत ही प्यारा मंदिर श्री विष्णु महाराज जी के। अब मैं आप माला दिखाता हूँ मंदिर के और पीछे वाले हिस्सा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा से पार्क नुमा बने हुए हैं, पार्क नुमा कहा जा सकते है, पार्के है हर पार्क। पार्क के ओर लेके जात हो संगवारी हो, जहाँ मन देखत हो लइका मन खेलत हवे। कितना सारा कछ हुई रवि, लगभग 50 के आसपास हुई? ज्यादा हुई। विश्राम करत है वह खरगोश महाराजा झाड़ के नीचे में, ये दऊ है वह हमारा खरगोश महाराज जो बहुत ही प्यारा दिखत है वह विश्राम करते हुए।
संगवारी हो, ये देखो गजानन स्वामी प्रथम पूजे जाने वाले श्री गजानन स्वामी गणेश महाराज जी साक्षात खड़े हुए कलाकृति में, साथ में होकर सवारी मूसक महाराज के कलाकृति में आप मान लो दिखा पात हूँ। थोड़ा सा वो आगू बढ़बो संगी हो तो विशाल काय कलाकृति में विराजमान खड़े हुए हैं भाई हमार पवन सुत हनुमान जी। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर घुसबो तो सीधा हाथ में हमारे मिली हमार पवन सुत हनुमान जी, श्री राम जी के परम भक्त पवन सुत हनुमान जी के कलाकृति। वो आकृति में खड़े है वह जब लक्ष्मण ने बाण लगे रीसे तो पर्वत ला उठा के लात हुए कलाकृति में देखेल मिली आप मान ला, साथ में रथ बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा मंदिर है संगवारी हो। मंदिर अभी बंद है वह पर्दा मन लगे है वह तो बोल मैं आप मान ला कोशिश करूं कि अंदर जाके आप मान ला दिखा पाऊं ये हमारे श्री पवन सुत हनुमान जी के मंदिर है वह। जय पवन शुद्ध हनुमान जी। संगवारी हो बहुत ही पुराना मंदिर आप मन देखो कलाकारी बहुत ही प्यारा कलाकारी करे गए है भाई मंदिर में। मंदिर के ओवरऑल व्यू में आप मतलब दिखा पावत हूँ, आगे जाके दिखाता हूँ आप मतलब मंदिर के भी गेट है बंद कर दे है भाई पुजारी मन है। संगवारी हो मतलब घुमा के दिखावा था, कोशिश करता हूँ संगी हो आप मान ला ये वीडियो बहुत ही पसंद आई और आशा ये करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो ला लाइक कर दूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ ताकि ऐसनेच वीडियो आप मान ला और दिखा पाऊँ और नवा नवा लेके आवत रहा। संगवारी हो जिसे आप मंदिर में आऊँ विभिन्न देवी देवता के कला आकृति के आप मान ला साक्षात दर्शन हो ही संगी हो आप मन दिखात हो मैं हाँ अपन नहीं भी आ पाऊँ जे हम मंदिर में नहीं आ सके मन घर बैठे ही ये वीडियो के माध्यम से मंदिर ल घूम सकता हो देख के। मैं आप मतलब फिर कहना चाहूँ भले ही वीडियो लंबा होगी लेकिन मोर कोशिश ये है कि आप मतलब मंदिर के ओवरऑल दर्शन करवा सकूँ सबो जगह के व्यू ल दिखा सकूँ। संगवारी को आप मान एक बार फिर से बताना चाहूँ दुर्ग बालोद मार्ग में खप्परवाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम ओटेवन में श्री विष्णु जी के मंदिर की बहुत ही आकर्षक है वह। संगवारी हो अपन यहाँ एक बार जरूर आओ, यहाँ पे साल में मार्च महीना में खास तौर पे यहाँ मेला मंडई के आयोजन भी कराए जाते तो आप मन जरूर आओ और सह परिवार आओ। तो संगवारी हो इसी आशा के साथ कि आप मतलब वीडियो आज अच्छा लगी मैं यहीं अपन वीडियो वाला विराम देता हूँ। जय भारत जय छत्तीसगढ़।